हेलो जी। हेलो हेलो। हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आप सबका? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, आप भी ठीक हो? हाँ जी, आज और बढ़िया करते हैं। आज मैं बना रही हूँ जी मलाई कोफ्ता, जिस तरह मैं बनानी हूँ। बहुत तरीके हैं बनाने दे, बड़ी बहुत सिंपल तगड़े तगड़े रेसिपी। शेफ ने, लेकिन मैं जेड़ा मेरा तरीका है उसी तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक लंबी रेसिपी है, इस करके थोड़ी जी तैयारी पहला कर ली। आ जाओ, ये पाया जी थोड़ा जो ऑयल पा के तेज पत्ता, थोड़ा जीरा पा लिया, दो तीन मैं पा लिया सी ये हरिया इलायचियां, और थोड़ी जी देखो दालचीनी। ठीक है। फिर दो प्याज पाते जी मोटे मोटे कट के, दो तीन लसन दियां तुरियां पातियां, दो चार टुकड़े छोटे छोटे इदा दे अदरक दे कट के पाते। ठीक है जी, आ देखो अदरक मोटा मोटा सारा कुछ पा देना है। ठीक है जी। और इनू असी हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, डार्क ब्राउन करने की जरूरत नहीं, बस इन्हों का हल्का जहा कच्चापन निकालना है अपना जी। अब हमने इसमें डाल देने हैं ये ना धनिए की डंडियां। धनिए की डंडियां डाल दी, ये दो तीन हमने हरी मिर्चें डाल दी, ये है तीन टमाटर, जैसे मर्जी काटो इनको, टेंशन नहीं करनी, मोटे मोटे काट दो। ठीक है। और साथ में ये काजू डाल दिए, और इसमें थोड़ा सा भी नमक डालती हूँ, ग्रेवी के हिसाब से अभी नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी। अब इनको हमने थोड़ा सा चला चला के भून लेना है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, बस इनका कच्चा पल निकालना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। जब ये सॉफ्ट होंगे फिर मिलते हैं तुम। ओके। हाँ जी, ये देखो ये सॉफ्ट हो गए हमारे टमाटर, ये देखो। ठीक है, क्या बात है। अब हमने इसमें डाल देनी है जी देगी मिर्च, साथ में हमने डाल देनी है जी एक चम्मच हल्दी का, साथ में अपने टेस्ट के अनुसार तीखी वाली मिर्च, जीरा हमने पहले डाल लिया और वो हमने नमक पहले डाल लिया था। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेना हमने, धुआं निकल रहा है ना। बस मसाले जो डाले हैं ना उनको थोड़ा हमने भून लेना। भून गए हमारे मसाले, जब हमने इसको गैस को कर देना बंद, और इस मटेरियल को हमने निकाल लेना जी किसी बर्तन में। ठीक है जी। इसको हमने करना है जी ठंडा अच्छी तरह, और फिर हमने मिक्सी के जार में डाल के, या कोई भी आपका जो बारीक पीसने वाला है, ग्राइंडर है, मिक्सर जो भी है, उसमें ब्लेंड कर, उसमें अच्छी तरह बारीक पेस्ट बना ले, ऐसे वाली पेस्ट बना लेनी है, और उसको फिर बारीक छन्नी में छान लेना है। ठीक है। ठीक है, पहले इसको बारीक पीसना है। ठीक है, फिर इसको हमने छान लेना है छन्नी में। ठीक है, जितनी देर ये ठंडा होता है हम करते हैं अपने कोफ्तों की तैयारी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये आपा कोई चौड़ा बर्तन ले लेना, ये है गया जी पनीर, ये बिल्कुल बारीक ग्रेट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, इनू अपा ना इस तरह सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल मल मल के। ठीक है जी। ए वाली चीज़ ना, हाँ जी, हाथ दी ना ए, इनू इन्ना नहीं सॉफ्ट करना भी ये ऑयल ही निकल जाए, बस जरा मतलब बारीक कर लेना है, पनीर की पेस्ट जी बना, पेस्ट जी बना लेनी है। ठीक है जी। ये देखो जी, कटोरी भरी हुई थी, थोड़ा सा हो गया, बस इस पोर्शन से सॉफ्ट कर लिया। ठीक है जी। अब हमने इसको कर देना इकट्ठा और इधर रख देना। अब ये है जी हमारा खोआ, ये पनीर से आधा लेना है। ठीक है जी। इसको भी हमने ऐसे ही सॉफ्ट कर लेना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। इन दोनों को अब हमने करना है जी मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह दोनों को हमने मिला लेना है, एक पेस्ट सी बना लेंगे। हाँ, बस यही है इसकी तैयारी का, बनने में देर। हाँ बाकी तो सब ठीक। हाँ, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके आपसे मिलते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये देखो ये आपा कर लिया। ठीक है, हुण इधर ये लिया जी आपा आलू। आलू एक लिया छोटा जा, ये तो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इकट्ठा होया हुआ है। ठीक है, ये असी ये आलू कर देंगे मिक्स। बॉयल्ड आलू है, इनू मैं ग्रेट कर लिया से। हाँ जी, इनू जो मिक्स किया ना आलू पाया ये,
इना थोड़ा जहा गिला लगना शुरू हो जाता है क्योंकि आलू च मॉइस्चर होंगे। हूँ आप पा लेना जी 2 चम्मच के करीब मैदा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पाना क्योंकि जे ज़्यादा पावे तो कोफ्ते जड़े अपने भारे भारे जे बन गए। इनू आप कर लेना जी मिक्स, ठीक है जी। ये लो जी, हमने ये कर लिया इकट्ठा। अब हमने इसमें डाल देनी है जी थोड़ा सा इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का, ये है जी उसकी डंडियाँ धनिए की, ये थोड़ी सी हमने इसमें डाल लेनी है। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है, साथ में हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है और थोड़ी सी ही हमने काली मिर्च डाल लेनी है। ये हल्के हल्के ही बनते हैं, ज़्यादा तीखे नहीं बनाने। ये है जी काजू और किशमिश, इसको मैंने ऐसे ब्रिक कर लिया। कुछ लोग बाउल दे विच पर दे, मैं विच नहीं भरांगी, मैं इहदे हाँ मैंने जी कोफ्ते के अंदर ही कर देना है और इसको कर देना है जी हमने अच्छी तरह। अब फिर मिक्स, बस मिक्स ही करी जाना है अज। हाँ जी, ये देखो जी इस तरह बन गया। इत्थे तुसी नमक मिर्च अपना चेक कर सकते हो, जे तुहानू थोड़ा घट लगता है तो होर मिक्स करके इनू चंगी तरह फिर दोबारा इस तरह एक पेड़ा बना लो। हुण आपां इहदे ते एक गिला कपड़ा रखना है ते इनू 10-15 मिनट वास्ते आपां रख देना रैसट करन दे, ठीक है जी। जब तक ये रैसट करता है आपां नहीं रैसट करनी, आपां ग्रेवी वल जाने हैं। चलो जी, ये देखो जी इसको हमने पीस लिया था, अब हमने इसको छन्नी में ऐसे करके छान लेना है, ठीक है जी। हाँ जी, असी हुण रख लिया जी इधर पैन, ये देखो ये ग्रेवी हमने ग्रेवी छान ली, इस तरह की ग्रेवी नहीं, बिल्कुल फाइन पेस्ट है, स्मूथ एकदम स्मूथ, ठीक है जी। हुण इस पैन विच आपां ये वाली ग्रेवी शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। थोड़ा उछलने देंगे ग्रेवी, हाँ। इसको थोड़ा डांस करने देना है, जब हम खाएंगे फिर हम डांस करेंगे। अब हमने इसमें डाल देना है जी थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है जी। जो आपको पसंद है वो डाल लो, ठीक है जी। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जी ये कसूरी मेथी, ये ठीक है जी। ये डाल दिया, इसको हमने कर देना है अच्छी तरह मिक्स। और यहाँ नमक मिर्च ग्रेवी का भी चेक कर लो, मैं इसको हल्का सा करती हूँ जी चेक, हल्का सा कम है, थोड़ा सा ये मैंने इसमें डाल दिया। वैसे ये जो कोफ्ता है ना और ये ग्रेवी है ये माइल्ड सी बनती है, तीखी नहीं होती ज़्यादा, इसको हल्का सा इसका होता है टेस्ट। अब हम इसको बस 2-3 मिनट पकाएंगे। अब इसमें टमाटर है ना ज़्यादा, ये हल्की सी इसका जो खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए इसमें हल्की सी चीनी डाल दो, लेकिन मैं यहाँ शुगर फ्री डाल रही हूँ, ठीक है। हल्की सी चीनी डालनी है, ज़्यादा नहीं, मीठा नहीं कर देना इसको, ठीक है। बस इतनी डालनी है कि थोड़ा सा खट्टापन कम हो जाए। इसमें अब हमने डाल देनी है जी अपनी क्रीम, ये हमारी क्रीम है जी फेवरेट वाली, ये वाली KDD, बहुत बढ़िया क्रीम है। आज मैंने ठीक बोला है, हाँ। नहीं तो मैं हमेशा नीडो नीडो बोलती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह घुमा लेना है, देर के लिए इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, सब कुछ पका हुआ है। अब ये नाचेगी बाहर आएगी, तो इसको हमने ढक देना है और हल्का सा सिम पे करके हमने पका देना है, ठीक है जी। अब हम इसको बंद करेंगे, बिल्कुल सिम पे करके इसको कर देंगे पीछे वाली गैस पे, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी कोफ्तों की तरफ, हाँ जी, ठीक है जी। ये लो जी कपड़ा हमने इधर उतार दिया, अब ये हमारा बहुत अच्छा कोफ्तों का डो बन गया, ठीक है। हुण आपां इहदे विच्चों छोटे छोटे लै लैने, इहनां नूं असीं तलियां दे विच इस तरह गोल बना लैना, इहनूं काफ़ी देर आपां इस तरह गोल करते रहना है। क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैक, हाँ क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये लो जी, इधर हमने तेल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, तो ये लो जी आप गोल बना लिया, ये देखो कोई क्रैक नहीं, ठीक है। इधर असी रखे कॉर्नफ्लोर, इसमें हमने ऐसे घुमा लेना है, ये हो गया, हो गया जी। ये हमने फिर यहाँ रखना है, इसका बिल्कुल राउंड कर देना है, ये देखो ये प्लेट में रख लेना है। ऐसे ही सारे ऐसे ही कर करके एक और बाप को दिखाती हूँ, एक साइज के हमने बना लेने हैं, छोटे बड़े वो आपकी अपनी इच्छा है। जैसे वो लंबे लंबे भी बनाते हाँ है। इसके ऐसे भी बन जाते हैं ये ऐसे, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। ऐसे करके गोल, ठीक है, जो रेगुलर बनाते हैं ये उनको आता है, ये जो पहली बार बनाएगा ये उसके लिए है। ये लो जी ऐसे कर देना, फालतू का इसके ऊपर से उतर जाना है। ऐसे बना के हमने सारे रख लेने हैं, हूँ असं ये सारे राउंड राउंड बना के ना कोफ्ते तुम मिलते हैं। हाँ जी आप गोल गोल कोफ्ते बना ले, साडा ऑयल हो गया जी गर्म, इनू आप हल्का जिस तरह घुमा लेना ताकि कोफ्ते जड़े ना एक जगह टिकन ना, सेक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। ये देखो जी इसको ना मैं ऐसे घुमाती रहूँगी ताकि ना ये एक जगह टिके ना, इनका मतलब सारी तरफ से ये इक्को जे फ्राई हो जाना, ठीक है जी। लो जी इन्हों फ्राई करके फिर आपां मिलते हैं। लो जी ये हो गए हैं जी, बाकी के अब हम डाल देंगे, गुलाब जामुन हो गए, गुलाब जामुन हो गए, और इनको बाकी के भी हम फ्राई करते हैं। ओके जी। हाँ जी ये लो जी ग्रेवी भी हमारी तैयार है, कोफ्ते भी तैयार है, कोफ्ते भी हमारे तैयार हैं। ये देखो कितने गोल गोल कोफ्ते बने हैं, सुंदर कोफ्ते बने मेरे जैसे। हाँ बिल्कुल तेरे जैसे गोल गोल। अब मैंने गैस कर दी है जी बंद, ग्रेवी को दे दिया उबाला, उबाला ग्रेवी को तो उबाला आ चुका है। हाँ। ये तो हल्का सा मैंने कि अब हमने जो ये कोफ्ते हैं इन कोफ्तों को हम ग्रेवी में नहीं पकाते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, रेस्टोरेंट वाले पकाते हैं पर वो फिर अलग हो सकता है मैदा वगैरह ज्यादा डालते कैसे उनकी रेसिपी अलग होती है, ठीक है। हाँ जी ये लो जी आप हूँ ये पावे, थलो गर्म है ना उछल रहा है मेरी, गरम गरम मलाई कोफ्ता मिल जाए लाइफ में और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अगर ये रेसिपी पसंद आई सबको तो बताना, फिर ना व्हाइट ग्रेवी वाले बनाएंगे। कैसे नहीं आएगी, सबको पसंद आएगी देखना तू। लो जी ये लो जी अब अपने ग्रेवी तैयार है, अब हमने इसमें डाल देने हैं जी अपने कोफ्ते। क्या बात है, क्या बात है ये क्या बात है, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने डालना है हल्का सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। हाँ जी और ये तो सजाने के लिए है ना, और ये थोड़ी सी हमारी क्रीम। क्या बात है जी, कोफ्ते को भी प्यार चाहिए, वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, प्यार तो सबको चाहिए भाई। ये थोड़ा सा हमारा धनिया। अब हमने इसके ऊपर मेथी नहीं डालनी क्योंकि हम पहले बहुत डाल चुके हैं, ठीक है जी। ये हो गए जी साडा मलाई कोफ्ता तैयार। ये जी अपना फाइनल प्रोडक्ट। ओहो हो हो हो, आज मैं कर रही हूँ। ओहो हो हो हो, लो जी आ जाओ, ग्रेवी देखो कितनी प्यारी है, सॉफ्ट सिल्की स्मूथ। अब इसको कर दिया हमने डुबा देना, डुबा देना। लो जी खाने से पहले तो ग्रेवी मिक्स कर लो, पर पहले पकाना नहीं ग्रेवी में। हाँ ये सॉफ्ट, ओ कितने प्यारे हैं, ये देखो ये मैं काट के दिखाती हूँ आपको, ये देखो ओए होए कितने सॉफ्ट है, ये तो मक्खन ही है, है ना। चलो कराओ जी टेस्ट, बड़ी बड़ी देर से वेट चल रही है इधर। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ओहो, पर जब दो लोग मिल के बना रहे हो ना तो मजा ही आ जाता है। अगर अकेले बना रहे हो ना साथ में गाने लगा लो अपनी मनपसंद, कैसे बहुत ही बढ़िया, कैसे लगे, कैसे बहुत लगे? ही बढ़िया।
सच्ची बहुत ही बढ़िया मजा, मतलब इतने परफेक्ट कोफ्ते बने हैं ना, ये खा के देखो इतने परफेक्ट है, तो एक चम्मच और टेस्ट कर। कोफ्ते ना मुंह में मेल्ट हो रहे हैं पर बाहर से क्रिस्पी हैं। ये सॉफ्ट ही बनते हैं, पनीर है खोआ है इसमें। नहीं नहीं मैंने बड़े लोगों को पनीर खोए से बनाते देखा, पत्थर जैसे कोफ्ते बनाते हैं। ओए होए हाँ नहीं ऐसी तो बात है। ये लो जी अब मैं करती हूँ टेस्ट, खा के देखो आप खुद खुद कहोगे कि मैं आपकी तरफ से टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपकी तरफ से आपकी आंटी टेस्ट कर रही है। चलो इतनी स्मूथ ग्रेवी, ऊपर से कोफ्ते बिल्कुल मक्खन ही बने हुए हैं कोफ्ते, है ना, चबाने पड़ ही नहीं रहे। ये तो अगर किसी के दांत नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ना चबाने नहीं पड़ेंगे तो छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे खा लेंगे ये ना सॉरी ये ऐसे चुटकले मारता है नहीं ओए ओए चुप कर कान जी बंद कर एक मिनट। हाय क्या क्या हो गया। चलो हाय हाय मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया, मैं कहा कोफ्ते खा, इतने हसास आके ना मेरी बुरी हालत कर दी। खुद खा के देख इतने सॉफ्ट है, मैंने मम्मी को बोला अब दोबारा मत बोल, घर में छोटे बच्चे जिनके दांत नहीं वो भी खा लेंगे। तूने छोटे बच्चे नहीं बोला था, बड़े बुजुर्ग खा लेंगे। बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और छोटे बुजुर्ग। लो जी है ना बढ़िया, बहुत टेस्टी है सच्ची ना, मक्खन हो गया ना कोफ्ते इतने बढ़िया। मेरी आंखों में बहुत टेस्टी है ना। हाँ जी चलो जी, हंसते हंसते ये कोफ्ते बन गए। ठीक है जी, ये मेरे पुत्र ने एहसास आ गया, बुरा हाल करता। हाँ जी अगर आप ऐसे बनाते हो हाँ। तो जी बहुत वधिया गल है, ते जे नहीं बनाते तो बना लो, बहुत आसान रेसिपी है। हाँ थोड़ी जी लंबी हो जाती है हाँ, पर मजा आ जाता है। और जे किते एदे वर्गा नाल कोई खड़ा होवे फिर तो पता ही नहीं लगता। मेरे जैसा एक सबके घर में होता है। हाँ होता है, खड़ा कर लो अगर नहीं तो गाने लगा लो जी। अगर घर में कोई नहीं उस टाइम है या कोई नहीं किचन में आता तो गाने लगाओ अपनी मर्जी के और बनाओ कोफ्ते, एंजॉय करो कोफ्ते, कोफ्ते बनाओ जी। ते कमेंट्स विच दसो इस तरीके नाल बना के किस तरह ने बने। ठीक है जी, असी लैने अपने कोफ्तियां दा मजा ते इहदियां गल्लां दा चुटकलियां दा मजा, ते मिलदे आ जी तुहानू अपनी अगली वीडियो च। तब तक बहुत सारे प्यार के साथ, सच में बहुत सारे प्यार के साथ मिलते हैं जी। तब तक हमारी बाय बाय बाय।